नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के अपडेट के बारे में। तो देखिए, सीआरपीएफ की तरफ से जो वैकेंसीज यहां पर निकाली गई हैं, इनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 25 जनवरी 2023 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। सो अभी भी जो है आप इन भर्तियों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो। इसी के साथ में दोस्तों, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको एएसआई और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसकी लास्ट डेट 25 जनवरी रखी गई है, इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप जो है यहां से टू रजिस्टर पर क्लिक करके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहां से डायरेक्ट लॉग इन करके भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर कोई एक ऐसी बेस्ट बुक बताइए जिसको पढ़ करके हम जो है इस वैकेंसीज को क्लियर कर सकते हैं या फिर हमको हमारे चांसेस बढ़ जाए क्लियर करने के। तो देखिए, यहां पर जो वैकेंसीज रखी गई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुक के बारे में, हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के अपडेट के बारे में। तो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए यहां पर ये वैकेंसीज रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां से चेक कर सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लें तो 1458 वैकेंसीज रखी गई है। काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपके लिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी एंड आपके 4 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, 25 जनवरी 2023 आप सभी के लिए लास्ट डेट रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड इसी के साथ में अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। एंड दोस्तों, 15 फरवरी 2023 को आपका जो है एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों आपको आपके यहां पर एग्जाम डेट भी दे दी गई है कि 15 फरवरी के आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 22 से 28 फरवरी तक आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपका सीवीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका 22 से 28 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए, इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है कुछ सिलेबस पढ़ना नहीं है, जो बुक मैं आपको बताऊंगा बस उसी बुक को पढ़ना है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी और एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं करवानी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब आगे की डिटेल के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं बुक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन परचेज करने का और आप चाहें तो इस बुक को किसी भी ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। सीआरपीएफ के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों 100% आपका जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर जो है इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही में 100% आपको आपका नया सिलेबस इस बुक में देखने को मिल जाएगा एंड 2450 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं जिनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है और दोस्तों उन सॉल्यूशंस में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में 20 प्रैक्टिस सेट्स पेपर आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। आप इन प्रैक्टिस सेट्स पेपर को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको जो प्रैक्टिस सेट्स पेपर दिए गए हैं इनका भी आपको डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सो इस बुक का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहेगा, आप इस बुक का फ्रंट पेज चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो इस बुक को किसी भी ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके ऑनलाइन स्टोर्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां से भी आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के आगे के अपडेट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो एज लिमिट यहां पर रखी गई है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच का अगर आपका डीओबी है तो आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोस्तों, अगर आप अपना 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हो। वैकेंसीज की डिटेल आप यहां से ले सकते हैं कि हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सो टोटल वैकेंसीज के बारे में मैं बता दूं आपको कि 1351 वैकेंसीज हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए और एएसआई पोस्ट के लिए 143 वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज आप यहां से चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा,
रहेगा जो आपका सीबीटी रहेगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, देन आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना होगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। अब देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों जो है ऑप्शनल रहेंगे। मतलब कि आप या तो हिंदी को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और क्लेरिकल एप्टीट्यूड से भी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले। टोटल 90 मिनट का आपको यहां पर टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, और 1/4 आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। सो आप यहां से चेक कर सकते हैं 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप ये पूरा का पूरा सिलेबस चेक कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।